जनपद में नहीं थम रहा बेटियों के लापता होने का सिलसिला। एक माह पूर्व लापता हुई नाबालिग बेटी को पाने के लिए परिजन लगा रहे अधिकारियों की चौखट के चक्कर। 14 जून को 12 वर्षीय साजनी को उसके चचेरे भाई शिवा व उसके साथी संजय व पप्पू के सहयोग से लेकर शादी का झांसा देकर फरार हुआ था। वहीं आरोपी के घर वाले लगातार बेटी के परिजनों को डरा धमका रहे हैं। पुलिस के पास जाने को लेकर आरोपी जन पीड़ित पिता थाडू व उनकी मां रजनी नट को धमकियां भी दे रहे हैं। परिजनों की शिकायत पर बेटा मुजावर पुलिस ने 363 व 364 में अभियोग दर्ज कर लापता बेटी की तलाश कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दो चचेरी बहनें एक साथ अपने अलग अलग प्रेमी के साथ लापता हुई थीं, जिसमें एक को बरामद कर लिया गया है, दूसरी बेटी की तलाश जारी है। नाम क्या है? आज एसपी साहब के यहाँ आए हैं, क्या है मामला आपका? लड़की गए हमारे साथ। कब? जो गए बेटी पहली तारीख को। पहली जून को? कितनी लड़कियाँ थी? दो रहा, एक है 12 साल की। बरामद कर रहे हैं। अभी कोई बरामद हुई? अभी एक अभी नहीं बरामद हुई है, एक भाई है, एक नहीं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया? हम 3-4 बार दौड़ के गए हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, खोजबीन कर रही है बराबर? क्या करें, वहाँ पे जाते हैं तो ये कहते हैं कि गाड़ी मंगाइए, करिए, हमको ढुलाइए, चलिए हमारे साथ, कौन पता लगाइए। कौन कहता है? अब जाते हैं बैठे के थाने में, वही कहते हैं सर। थाने पुलिस कहती है, ये कहते हैं कि पता लगाइए, तब हम चले। तब चले। क्या लगता है, न्याय मिलेगा आपको? अब क्या बता, आज एसपी साहब के यहाँ आए हो तुम? हाँ, साहब हमको लड़की चाहिए। एसपी साहब से मुलाकात हुई? नहीं हो पाई।